क्या हो गया? भाई देखो सारे देख रहे हैं ऊपर से। और भाई हम लोग पहुंच रहे हैं, थोड़ा पैनिक अटैक सा पड़ा था यार वो आप लोगों ने देखा होगा, तो भाई थोड़ा सा देख लेना यार भाई, इसको पैनिक अटैक पड़ता ना, दिख रुक रुक के गिर गया था यार, यही तो गिरा था इन सीढ़ियों में। जय महादेव। कैसा है? बढ़िया है। आज वो नहीं डलवाया है बढ़िया, बिक्की डॉन से पूछना बेकार है। इसको तो पानी में चीनी खोल के दे दो, भाई कितनी बढ़िया लस्सी बनाई है। मोहितो भाई अब्बास की लस्सी। भाई ये देख लो राइडर यार, ये देख लो श्री राइडर, क्या हो गया इसे, मतलब क्या है दिक्कत, क्या है इसे। भाई कमेंट आया था, हमने कहा भाई सागर भाई की ट्रिप होगी, आप लोग कमेंट किया करो, इंटरेक्ट जितना करोगे ना हम उतना इंटरेक्ट करेंगे आपसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज है भाई हम लोगों का डे थ्री, जो कि भाई डे थ्री बोल लो या पार्ट थ्री बोल लो, जो कि भाई है ऋषिकेश में। तो भाई चलो आपको भाई आज ऋषिकेश की नाइट लाइफ दिखाएंगे, लक्ष्मी झूला वगैरह निकलेंगे, क्योंकि भाई सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फटाक से निकलेंगे। सबसे पहले भाई आपको कराता हूँ भाई चलो अपने रूम टूर, जो हमने रूम लिया ये लिया भाई द राजा पैलेस में, ठीक है, जो कि भाई हमें 2 BHK फ्लैट मिला है, जिसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग बता रहा हूँ आपको 1800 रुपये, ठीक है। नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अमरिंदर भाई का, एमबी भाई का, ये आपका भाई डिस्काउंट करा देंगे, क्योंकि ये भाई यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। बाकी भाई लोकल भाई हैं हमारे वहाँ के ही हैं, तो ठीक है, जब आपने लास्ट ब्लॉग में देखा भी होगा भाई से, हमने मिलवा भी रखा है, ठीक है। तो भाई फटाफट चलो आपको रूम टूर कराता हूँ भाई, देख लो रूम टूर करा देता हूँ भाई। हम लोगों ने यहाँ पे लिया है फ्लैट, ये देख लो भाई सीलिंग वीलिंग मस्त हो रही है, यहाँ पे भाई लगे कर्टन, ये भाई लिविंग एरिया, यहाँ पे भाई देखो सोफे मिल गए हम लोगों को मस्त, अपना भाई चारों भाई यहाँ सोफे बैठेंगे, केले और ये ला के रखे हैं भाई स्नैक्स। बाकी भाई ये देखो किचन आपको दिखा देता हूँ, ये किचन, बाकी किचन में कोई अपने काम नहीं है यार, ठीक है। बाकी ये हम ऐसी है, ये वॉश बेसिन है, यहाँ पे एक रूम मिल जाता है भाई, यहाँ पे सुंदर सा देखो भाई मस्त रूम है भाई, अपना बेड यहाँ पे मिला हुआ है और वॉशरूम भाई यहाँ पे है, ये देख लो भाई ऐसा कुछ वॉशरूम मिला हुआ है, गीज़र वगैरह मिला हुआ है भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई गीज़र ठंड में बहुत ज़रूरी है भाई। बाकी ये देख लो भाई ये है कुछ, ठीक है, एसी भी है, बाकी एसी की जरूरत है नहीं हमें, और टीवी वगैरह सब लग रहा है यहाँ पे। आपको दिखाता हूँ भाई दूसरा वाला रूम, तो दूसरा वाला रूम भाई ये रहा हमारा, इसमें भी देखो सेम है, ठीक है, एसी वगैरह, बाकी बेड वगैरह देख लो यहाँ पे भी मस्त है भाई। हटिए भैया रूम टूर करा दो, और ये देख लो भाई इसका वॉशरूम, तो दोनों में भाई सेपरेट वॉशरूम है, ये भाई बालकनी, आ जाओ भाई बालकनी दिखाता हूँ आपको, बढ़िया करो बालकनी का व्यू, तो ये है भाई देख लो बालकनी में भी चेयर वगैरह है, ठीक है, ये है भाई बालकनी का व्यू, सही है भाई बहुत शांति है, अपने को भाई शांति ही चाहिए, अब रेस्ट करना है आराम से भाई, तो रेस्ट करेंगे। तो भाई ये था हमारा रूम टूर भाई, नाइट में निकले हैं, आपको बोला था नाइट लाइफ दिखाएंगे, तो ये देख लो भाई मार्केट पूरी खुली हुई है, 12 बजने वाले हैं, और ये देखो भाई इसमें जा रहे हैं मूनलाइट कैफ़े में खाना खाने आए, क्योंकि भाई खाना खाया नहीं 12 बज के, सुबह से नहीं खाया खाना ना भाई, कुछ खाना वाना खाते हैं, दिखाते हैं आपको क्या खा रहे हैं, क्या प्राइसिंग है, ठीक है। इसमें जा रहे हैं भाई मूनलाइट रेस्टोरेंट में, वेज ही खाएंगे, अंदर चलते हैं। हाँ भाई बता भाई, रात को बहुत तगड़ी बीटी हो गई है, भूखे थे सारे लड़के, और खाना खाने निकले, बंदे ने बोला खाने में कुछ नहीं है सिर्फ राजमा चावल बचा है, तो भाई यहाँ ट्रिप व्रिप पे आओ तो टाइम से खाना खा लिया, टाइम से खाना खा लेना भाई, हमें तो मिला है राजमा चावल बोल रहा था, हमने मना कर दिया, तो भाई आप लोग देख लेना टाइम से खा लेना भाई, हमने कर दिया लेट, तो फिलहाल तो भाई एक जो रेस्टोरेंट था मून लाइट कैफे जो था है कुछ खाने को, भाई बैठ भी गए आराम से भाई, और डिसाइड कर रहे हैं कोई पनीर मांग रहा है कोई कोरमा मांग रहा है, और भाई मिला क्या, और सिर्फ राजमा चावल तो खाएंगे नहीं, ठीक है, खाना तो खाएंगे बढ़िया, नहीं मिलेगा तो भूखा सो जाएंगे, राजमा चावल नहीं खाऊंगा। बाकी भाई देखो अब इसमें चल रहे हैं, अब आए भाई पंजाबी ग्रिल रेस्टोरेंट में, अब इसमें देखते हैं भाई इसमें क्या मिलेगा। बाकी देख लो भाई ये वही रोड है माल रोड लक्ष्मण झूला वाली रोड है, यहाँ पे आगे लक्ष्मण झूला है, ये है भाई, भाई देख लो आज का स्कैम देखो सागर भाई, आज का स्कैम दिखाओ हाँ सागर भाई, ये देखो बाकी भाई देखो दाल मखनी मंगाई है और कढ़ाई पनीर मंगाई है, बटर रोटी है भाई खाएंगे, खाने के बाद बताएंगे अब तुम्हें, उसके बाद इनको धक्का मार के निकलेंगे रेस्टोरेंट से, भाग यहाँ से
चलो भाई अब खाते क्योंकि लेट हो गया काफी। ठीक है भाई खाएंगे फिर बताएंगे। अभी करण बताओ 25% की बात बता भाई। बहुत देर से खाना ढूंढ रहे थे, अब वो यहाँ बढ़िया खाना मिल गया। बढ़िया टेस्ट, बढ़िया मैंने तो भी टेस्ट किया नहीं है भाई। खाना मतलब ठीक है एकदम भाई। वो देखो बड्डे बॉय झंडे में लगा हुआ है। बड्डे बॉय को भाई कुछ भी दे दो, इसे तो कुछ भी दे दो, नमक वमक चौक के दे दो। सो चलो भाई मैं भी खाता हूँ भाई। सारे भाई तो लगे पड़े हैं। देखो भाई खाना खा लिया है, अब थोड़ा वॉक कर रहे हैं ताकि खाना थोड़ा पच जाए भाई। पहले उससे पहले आइसक्रीम ढूंढ रहे हैं, सब कुछ मीठा खाने का मन है। मीठा पहले चाहे आइसक्रीम मिल जाए कुछ वैसा मिल जाए, मगर भाई खाना था अच्छा, नो डाउट खाना अच्छा था। और पैसे तो यार एक मीठा तो अपने साथ जा ही रहा है बिकॉज़ अबू ही जाने का भाई। भाई अबू जा रहा आगे, वो आगे आगे जा रहा, भाग रहा पूरे में। तो भाई खाना था बढ़िया, और खाने की बात प्राइसिंग क्या थी? 650 रुपये पड़ा है भाई। हम लोगों ने दाल मखनी नहीं दाल फ्राई थी ना, दाल तड़का था और क्या था, कढ़ाई पनीर थी। और मेरे ख्याल में 12-15 करीब ऐसे हमने बटर रोटी खाई थी। तो भाई 650 रुपये था भाई, बहुत रीजनेबल है। रात में भी खाना ऐसा नहीं मिल जाएगा आपको ना, जल्दी खाने की जरूरत नहीं है भाई। जब भी बोल लेते ना हम जल्दी की जरूरत नहीं है, खाना मिल जाएगा क्योंकि भाई मार्केटें खुली रहती है। हम भी बस भाई घूमने में लग रहे हैं, थोड़ी देर घूमेंगे टहलेंगे फिर जाएंगे भाई। बाकी देख लो भाई रेंट वगैरह करने के लिए भाई यहाँ पे पूरे में, अगर आप लोग अपने ट्रांसपोर्ट से नहीं आना चाहते तो भाई यहाँ पे वैसे आओ, डायरेक्ट बस से आओ। बाकी स्कूटी बाइक यहाँ से ले सकते हो आप अपना। ठीक है चलो आपको मैं सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ। चलो भाई अब चुपचाप जाके सो जाएंगे, सुबह उठेंगे देखते हैं कहाँ निकलेंगे घूमने के लिए। लड़का भी हो गया भाई, लड़का दे भाई देखो चढ़ नहीं पा रहे यहाँ पे, चौथी फ्लोर है भाई। करने के बाद यहाँ भी हो सकता है सारे आ जाएंगे। ओए क्या हो गया, क्या हो गया, भाई देखो सारे देख रहे हैं ऊपर से भाई मस्ती चल रही है, मस्ती कर रहे हैं भाई, मस्ती भाई भी मस्त आ गया, मस्ती कर रहे हैं भाई। और क्या करें, मस्ती कर सकते हैं। चलो भाई अब जा रहे रूम में सोने, बाय बाय गुड नाइट भाई, सुबह मिलते हैं भाई। सुबह हो चुकी है, बज चुके हैं 11 सुबह, तो भाई काफ़ी देर के उठ गए। तो भाई अब देखो यहाँ पे मंगा लिया हम लोगों ने बनमस का, और साथ में भाई कुल्लड़ वाली चाय अरे लेकर आया ये करण भाई। चाय और मस्का बनकर नाश्ता करेंगे बढ़िया से। तू करके नहीं आया? नहीं भाई मैंने लाया के आया हूं, मैं बेहतर चाय नहीं लाया, चाय तुम्हारी लाया हूं। तेरा कहाँ है इसमें? चार बनमस के भाई। तो इसका कहाँ है इसमें? अबे 1, 2, 3, 4 तो वो तो एक मैं पूरा खाऊंगा भाई। 5 बन बोले थे मैंने उसको, तो 4 ही है। इसमें 3 है। अच्छा 3 है इसमें, ठीक है भाई। बाकी देख लो भाई कुल्लड़ वाली चाय बिक्की डॉन घाल है। चलो भाई नाश्ता करेंगे फिर निकलेंगे फटाफट घर के लिए। ले लिया तो खाना, अभी ये बोल रहा हूँ। अच्छा देख लो भाई चाय अपनी निकल गई कुल्लड़ में, और बाकी भाई ये रहा बनमस का। अब करेंगे भाई नाश्ता और उसके बाद चलेंगे भाई अपने सफर पे वापस स्टार्ट। गुड मॉर्निंग गाइस, भाई ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, अब निकल रहे हैं भाई घर के लिए। तुम्हें कर हाँ भाई अब घर के लिए रवाना हो रहे हैं बढ़िया से ट्रिप। तो भाई ये कूली है सबका सामान, तो ये उठा के लेके जा रहा है। और भाई हम लोग पहुँच रहे हैं, थोड़ा पैनिक अटैक सा पड़ा था यार वो, तो आप लोगों ने देखा होगा, तो भाई थोड़ा सा देख लेना यार भाई, इसको पैनिक अटैक पड़ता ना दिख रुक के गिर गया था यार, यहीं तो गिरा था सीढ़ियों में।
भाई निकल ले आप देखते हैं। परेशान मत होना भाई, लौंडा ठीक है, रात में जैसे तो गिर जुड़ जाता थोड़ा सा पागल सा लगा। बाकी देखो भाई ओके तो भाई अब निकल रहे हैं भाई हम लोग दिल्ली के लिए। रास्ते में देखते हैं जहाँ कुछ दिखेगा तो आपको दिखाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, बाकी सिनेमैटिक एंजॉय करो। बताओ भाई ट्रिप कैसा रहा? ट्रिप हमारी अब हो रही है ख़त्म, बाकी बस ये है जो रास्ते का जो सफ़र है वो देखेंगे अब। हाँ भाई चलो भाई देखते हैं, वैसे हरिद्वार पे बने कुछ रुक के खाने पीने का, वहीं चलते हैं हरिद्वार सीधा। निकल ले भाई, तो भाई सुबह का देखो सेल्फ मारता हूँ, एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए, स्टार्ट हो गया भाई एक सेल्फ में। तो भाई ये पार्किंग है, बाकी भाई निकल लें। राजा पैलेस करके नाम है भाई, नंबर डाल दूंगा भाई, आप लोगों को विजिट करना हो कर सकते हो, काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। ठीक है चलो भाई निकालता हूँ गाड़ी पार्किंग से। तो भाई 11:40 हो रहे हैं और हम लोग देखा यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है अब यहाँ से ऋषिकेश से भाई हम लोग निकल रहे हैं, 11:40 हो गए हैं। तो देखो भाई दिल्ली कितने बजे तक पहुँचेंगे, पहले तो हरिद्वार पहला स्टॉप है अपना, उसके बाद देखते हैं। फिलहाल अभी लक्ष्मण झूला के पास है हम लोग। चलो भाई सिनेमैटिक से आप इन्जॉय करो और हमें भी थोड़ा इन्जॉय करने दो। व्हाट्स द टाइम ब्रो? क्या टाइम रहा विकास? 12:40 भाई, 12:40 हो रहे हैं अब देख लो भाई। करेक्ट हम लोग अभी पहुंच गए हैं हरिद्वार समोसे वाला। हाँ यहीं पे आगे समोसे वाला। तो भाई हरिद्वार पहुंच गए हैं, अब देखते हैं भाई हो सके यहाँ पे रुकेंगे भाई समोसे के लिए हम लोग, कुछ ना कुछ आराम से पहुंच जाएंगे। अरे कोई जल्दीबाजी नहीं सागर भाई, आराम से पहुंच जाएंगे। देख लो भाई हरिद्वार पहुंच गए और अब देखो भाई यहाँ पे चलते हैं, कुछ खाने पीने चलेंगे। ठीक है बाकी देख लो भाई, जय महादेव। गाय से रुके हम भाई पानी वानी लेने के लिए, भाई हरिद्वार में तो रुके नहीं हम लोग क्योंकि भाई हो रहे थे थोड़ा सा लेट, क्योंकि भाई करण की भाई शाम की ट्रेन है, गुजरात जा रहा है भाई हमारा आज, तो भाई इस वजह से हम रुके नहीं। फिलहाल अब प्लान हमारा ये है, हो सके शायद हम लोग रुकेंगे भाई अब्बास लस्सी पे, जो कि अपना रुड़की में पड़ता है भाई, बहुत फेमस है वो भी, वहाँ के देखते हैं। अगर रुके तो भाई वहाँ का आपको जरूर दिखाऊंगा भाई, वहाँ की लस्सी और वहाँ के गुलाब जामुन बहुत फेमस है भाई, वो जरूर है मन खाने का, क्योंकि भाई मीठा दो दिन से ढूंढ रहे, मीठा खाने के बाद मिल नहीं रहा है। तो फिलहाल आज मीठा खा के, खाना तो खाया नहीं, अभी मीठा ही खाएंगे पहले। हाँ बजा लो भाई, तुम कर लो, ले आए भाई पानी बोतल। अरे भाई ले आए पानी बोतल हमारा दुखी। चलो ठीक है भाई, हाँ भैया डीजल डलवाने रुके भाई। तो दिल्ली से अब है हम लोग लगभग 70-80 किलोमीटर दूर हैं, तो भाई इसलिए हम लोग डलवा रहे हैं 1500 रुपये का डीजल। तो भाई टोटल अभी 3,000-3,500 का पहले डला था और 1500 का, अब तो लगभग 4,047 का है, जिसमें कि भाई हमारी गाड़ी अभी जो चल चुकी है 706-7 किलोमीटर चल चुकी है, तो मान के लो 800-900 किलोमीटर करीब हमारी गाड़ी चलेगी, 900-950 किलोमीटर, और गाड़ी 4700-4600 में ऐसे चली है हमारी गाड़ी। बाकी एकदम एग्जैक्ट एवरेज बताऊँगा आपको जब हम लोग डेस्टिनेशन पे वापस अपने घर पे पहुँच जाएंगे तब। 15 लीटर डाला है तो आया है 16.5 लीटर, 1500 में आया 16.5 लीटर। अब तो मैं दिखा देता हूँ भाई मैं इसकी रेंज क्या आई है, और भाई गाड़ी की जो रेंज आई है ये आई है देखो 710 किलोमीटर भाई हमारी गाड़ी चल चुकी है, और रेंज 365 किलोमीटर की। क्या मंगाया है? गुलाब जामुन ले लेंगे, तो भाई गुलाब जामुन यहाँ के बहुत फेमस है देख लो। अब बात रहती बाकी भाई छोले भटूरे अपने वहाँ खाए। अरे कितने रुपए प्लेट थी वहाँ? 60 रुपए प्लेट थी आलू वाले। हाँ तो 70 रुपए थी, 70 रुपए की प्लेट थी भाई आलू की स्टफ। बाकी भाई देख लो ये यहाँ पियेंगे लस्सी है, एक लूंगा। कैसा है? बोला नहीं आ रहा भाई। अच्छी है बुरी है बता भाई? मस्त है, मस्त है ना, तेरी मूछ बता दी मस्त है, तेरी पूरी मूछों में भी सदी है ना। सार भाई बढ़िया बिक्री डॉन से पूछना पड़ेगा रहा है इसको तो पानी में चीनी खोल के दे दो, भाई कितनी बढ़िया लस्सी बनाई है, मोहितो भाई अब्बास की लस्सी। भाई देख लो अब हम लोग रह गए भाई दिल्ली से यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर,
और भाई अभी टाइम जो हो रहा है हमारा टाइम है इस वक्त 2:30 बज गए हैं और भाई करण को 4:30 बजे तक पहुंचना है, इसकी ट्रेन है। अब देखो भाई अगर पहुंच गए तो ठीक है, अदरवाइज फिर करण की भाई ट्रेन ही छूटनी है आज। आज नौकरी जाएगी, एक लड़की की आज नौकरी चली जाएगी, फिर देखना भाई वो एक नया मेरे को कंटेंट मिल जाएगा। बंदा रोते हुए जब पाएगा ना, अरे मेरी गई अरे अरे, जैसे कल रात में से दौरे पड़ रहे थे ना वैसे रोड पे पाएगा, जब मंडावली के रोडों पे। तो भाई देखो हम तो अपनी तरह से फुल ट्राई कर रहे हैं, बाकी भाई ज्यादा देर नहीं चला रहे, 80-100 चला रहे, क्योंकि भाई हाईवे थोड़ा सा ना मतलब कंजेस्टेड चल रहा है, क्योंकि भाई आपको पता है कि आज संडे है तो भाई लगभग सभी लोग वीकेंड बना के वापस जा रहे हैं। अधिकतर नंबर प्लेट भाई दिल्ली की है, यहाँ पे अधिकतर नंबर प्लेट दिल्ली की है, तो भाई कोशिश तो कर रहे हैं भाई पूरी कि भाई पहुंच जाए टाइम से, बाकी अगर नहीं पहुंचे तो भाई करण का हार्ड लक है। ये देखो भाई आज देखो टोल पे भी कितनी भीड़ है भाई, आज फास्टैग वालों पे भीड़ है, आज भाई करण का हार्ड लक है, हम लोग चेक करेंगे आज कितना इसका हार्ड लक है। ये देखो भाई फास्टैग है सारे, मगर फिर भी इतनी भीड़ है। अरे छोड़ो ना, आराम चलेंगे ना, जल्दी क्यों ले ले भाई। ये देख लो इसे दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत लग रही है मेरे को। जो दिक्कत है कमेंट में बताओ, दिक्कत बताओ क्या है, दिक्कत कमेंट में क्या दिक्कत है इसको, ऐसे क्यों चला रहा है भाई गाड़ी, इसे रुकवाऊं क्या भाई, क्या हो गया, ऐसे थम्स अप कर दूं क्या भाई साहब। भाई देखो थर्ड एंड लास्ट टोल पर आ चुके हैं, जो कि भाई टाइम अपना देख लो हो रहा है 3:40, तो भाई मे भी शायद पहुंच ही जाए घंटे में, लगभग शायद 5 बजे तक भाई हम लोग पहुंच जाएंगे मंडावली पंग। तो भाई देखो अब ये है अपना NH24 वाला हाईवे का जाम, देखो इतना लंबा टोल का जाम है भाई, वैसे तो इनको फ्री कर देना चाहिए एज पर NHAI है ना भाई, कितने सेकंड का, कुछ सेकंड का होता है भाई, 30 सेकंड या समथिंग, शायद 30 सेकंड या मे भी 45 सेकंड, कुछ सेकंड का ही है। इतने सेकंड में अगर भाई अगर आपको वेट करना पड़ रहा है ना टोल पे, अगर फास्टैग वाली लेन में हो तो भाई आपको फ्री होना चाहिए, तो ये हमारा वैसे तो फ्री होना चाहिए, बट ये खचरे फ्री भी नहीं करेंगे, मगर इनकी वजह से भाई हमारे करंट की ट्रेन छूट जाएगी। फायदा क्या, मुझे बचा दो यार, मुझे बचा दे, पहुंचा दो, पहुंचा दो यार भाई से, पहुंचा दो प्लीज, मेरी ट्रेन नौकरी का सवाल है, नौकरी का सवाल है भाई, अपने मैनेजर से गुहार मांग दो अभी, गुजरात से लोग दिन की दो रोटी दे दो, घंटे की दो रोटी चाहिए, दो रोटी से क्या होगा, मैं दाढ़ की एक टाइप की बोला है, एक घंटे की दो रोटी, 24-48 रोटी चाहिए बस। ओ भाई तो भाइयों टाइम से पहुंच गए हैं दिल्ली, भाई फिलहाल हो रहा है 5:20 और हम लोग देखो भाई पहुंच चुके हैं अपने गाजीपुर है, जो आनंद विहार सॉरी क्या गाजीपुर ही मान लो, गाजीपुर पहुंच चुके हैं भाई हम लोग। तो भाइयों ट्रिप रहा है एक नंबर भाई, मेरी तो भाई पहली बार थी ऐसी कैंपिंग मैंने नहीं करी भाई, बिल्कुल मिनी स्विट्जरलैंड लग रहा था भाई, वो कैंप लोकेशन मेरी सबसे बेस्ट थी भाई, कैंपिंग की बेस्ट लोकेशन है वो, हमने कसौल में ऋषिकेश सब जगह करी है, कसौल ऋषिकेश भी करी हुई है भाई, ऐसी लोकेशन नहीं है, बाकी भाई प्राइसिंग भी बहुत अच्छी थी मैंने आपको बताया था भाई, बाकी ये देखो भीड़ देखो भीड़, कैंप वाले का नंबर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, हाँ भाई बाकी भाई कैंप वाले का हम लोग नंबर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो आप लोग भाई कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आप लोगों को जाना होगा तो चले जाना भाई, मतलब प्राइसिंग अच्छी है बाकी भाई आप कोशिश ये करना, अगर आपको निकलना है डायरेक्ट, अगर आप चौपटा जाना चाहते हो तो भाई कोशिश ये करना कि कम से कम सुबह निकलना आप 5 से 6 बजे, हाँ भाई 12 से 13 घंटे, आप ये मान के चलो आपको 4-5 बजे निकलोगे ना सुबह तो आप शाम को पहुंच जाओगे 4-5 बजे, ठीक है, इतना टाइम तो मान लो लगेगा ही लगेगा, अगर आपको भाई स्टे करना है ऋषिकेश में कहीं बीच में रुकना है तो फिर आराम से जाओ कोई दिक्कत नहीं, अगर भाई अगर सिंगल स्टॉप मानना चाहते हो चौपटा तो भाई हिसाब से नहीं बन पाएगा, ठीक है, और वापस आने का भी फिर सेम सीन है, अगर आप आते हो ऋषिकेश के तो भाई ऋषिकेश में फिर हम लोगों ने ऋषिकेश में स्टे किया था, एक रात में 100 किलोमीटर के करीब गाड़ी चलाई थी पहाड़ों पर और सेफ नहीं होता रात में, हाँ भाई क्योंकि भाई कुछ भी दिख नहीं रहा था, मतलब समझ लो कि भाई रोड भी थोड़ी वैसी है वहाँ की, तो हिसाब से भाई अपने सेफ्टी पर्पज के बता रहे हैं आपको, बाकी भाई मैंने आपको बता दिया था वहाँ पे क्या है, नेटवर्क से बिल्कुल दूर, ठीक है भाई नेटवर्क बिल्कुल नहीं है वहाँ पे चौपटा में, वहाँ पे नेटवर्क नहीं, दुनियादारी से दूर हो जाओगे बिल्कुल आप,
सुबह तक क्या, जब तक आप वहाँ रहोगे तब तक दूर हो जाओगे। तो भाई बाकी एक चीज़, बाकी ठंड भी बहुत ज़्यादा रहती है कैंप में, क्योंकि ठंड तो लगती है, और बाकी गीजर वगैरह नहीं है भाई वहाँ पे, एकदम जो भी रहे चुल्ल ठंडा पानी, हाथ भी बर्फ हो जाएंगे तुम्हारे, इतना ठंडा पानी था वहाँ पे भाई, मजा आ गया था। बाकी ऋषिकेश में भाई मैंने जिस भाई के यहाँ रुका था, वो भी हमारे यहाँ के भाई है, तो उसका भी मैंने होटल का डाल दिया, नंबर वगैरह भी उसका मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो आप वहाँ भी रह सकते हो, वहाँ भी भाई जो हमें 2 BHK का फ्लैट पड़ा था वो हमें पड़ा था 1800 रुपये का, ठीक है। तो आपको भी सेम रेट पर पड़ जाएगा, आप बताओगे भाई हमारे थ्रू तो आपको भी सेम रेट का पड़ जाएगा। बाकी भाई कमेंट करके बताओ आप लोगों को हमारी ये सीरीज कैसी लगी चौपटा की, और भाई कमेंट करके जरूर बताया करो भाई नेक्स्ट ट्रिप हमें कहाँ की माननी चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोगों ने एंजॉय किया, तो आप लोग बताना भाई आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी, और सजेशन दो हमारी भाई और क्या क्या हम लोग इसमें इंप्रूव कर सकते हैं, और या फिर आप हमें कुछ जगह बताओ कि हाँ आप यहाँ भी जाओ यहाँ घूमने, वो भी करेंगे हम लोग, ठीक है। और कोई सजेशन भाई आप लोगों की तरफ से? नहीं भाई बस भाई आप हो ही गया, जो आपको सबसे बेस्ट मोमेंट्स लगे उसका भी कमेंट में डालना, और सब कुछ लाइक कमेंट जरूर करना इस वीडियो पे, कमेंट जरूर करना भाई, मजा आएगा देख के। खास कर कुछ वीडियो में मेंशन कर देंगे, जैसे रोहित गद्दार है, रोहित गद्दार हैशटैग मंकी, हैशटैग हैप्पी बर्थडे मंकी, भाई वो सब प्लीज कर देना यार, मजा आएगा भाई कसम से यार, बहुत चीजें हुई है, टायर फटा है, मेरी ट्रेन छूट सकती है अभी भी छूट सकती है, अभी भी हम लोग पहुंचे नहीं है, मतलब दिल्ली में एंटर कर सकते हैं, ट्रेन अभी 5:30 हो रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं, क्योंकि भाई इसको हम लोग उठाएंगे, तो भाई मैं ब्लॉग को तो मैं ही खत्म कर दूंगा, बट इसको हम लोग यहाँ तक घर छोड़ेंगे, घर पे सबसे मिलवाएंगे, अपना सामान वामान लेगा, फिर इसको हम लोग जाएंगे छोड़ने के लिए, ठीक है भाई। तो वो तो मैं ही खत्म कर दूंगा, बाकी भाई कमेंट करोगे ना उतना यार हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि देखो आपने जितने कमेंट करोगे सबका मैं रिप्लाई करता हूँ, सबके भाई आपको टीम यार मिल रहा है, आपको सबका रिप्लाई कर देगी, जितने कमेंट आते सबका रिप्लाई कर दे। नहीं ये बात सच है, मैंने भी कमेंट किया था, मेरे को लेके चलो, मेरे को ट्रिप पे ले गए, देखो भाई ट्रिप पे भाई सागर भाई कमेंट आया था, हमने कहा भाई सागर भाई की ट्रिप होगी, आप लोग कमेंट किया करो, इंटरेक्ट जितना करोगे ना हम उतना इंटरेक्ट करेंगे आपसे, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, तो भाई आप लोग करा करो भाई, ठीक है। तो भाई इस ब्लॉग को मैं कर रहा हूँ यही खत्म, अगर भाई ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना, और वीडियो अगर यहाँ तक देख ली तो भाई प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा स्टे ट्यून, राम राम भाई सभी को।